हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड कराने हैं तो कैसे करा सकते हैं। कई बार आपको ज़रूरत है अपने फ़ोटो एंड वीडियो आपको किसी से छुपा कर रखने हैं तो कैसे कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन अपने फ़ोटो एंड वीडियो कैसे हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन नंबर मिल जाता है प्राइवेट सेफ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेट सेफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मांगेगा इंटर प्राइवेसी पासवर्ड। अगर आप यहाँ पहली बार जाएंगे तो यहाँ से कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। हमने पहले भी जा चुके हैं तो हमने अपना पासवर्ड सेट कर रखा है, तो आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सिंपली हमने अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाते हैं इमेज एंड वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल। तो हमें सेलेक्ट करना है इमेज एंड वीडियो, हमें अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड करनी है। उसके बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आपको एक प्लस का आइकॉन देखने को मिल जाता है नीचे, ये सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे फ़ोटो और वीडियो ओपन हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको कोई फ़ोटो सेलेक्ट कर ले लें। जैसे हमने यहाँ से ये एक फ़ोटो ये सेलेक्ट कर दिया है, एक फ़ोटो ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने इसे जो है यहाँ से ये वाला फ़ोटो ले लिया, एक ये ले लिया हमने, यहाँ से ये ले लिया, चार फ़ोटो हमने यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिए हैं। अब चार फोटो जो हमने सेलेक्ट किए हैं यहाँ से, उसके बाद इसे आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं हमारे फोटोज चार हो चुके हैं हाइड। ये आपको आप गैलरी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप वीडियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से अपनी गैलरी ओपन करेंगे, आपको ये फोटोज गैलरी में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जो फोटो आपने हाइड किए हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो को तो हाइड कर सकते हैं। अब अपने इन फ्यूचर का भी जरूरत पड़ती है कि हमने जो फ़ोटो अपने हाइड किए हैं वो हमें अनहाइड करने हैं तो कैसे करें, या उन्हें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो उन्हें एक्सेस करने के लिए आपको फिर से वहीं जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में चले जाएंगे। अब प्राइवेसी में जाने के बाद प्राइवेट सेफ पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। अब आप इन्हें यहाँ से यूज करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इन्हें, यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये अनहाइड कराने हैं फ़ोटो, तो अनहाइड करने के लिए आप पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे सबको। तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेट एज पब्लिक। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है सेट एज पब्लिक। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फोल्डर मिल जाता है सेलेक्ट स्टोरेज लोकेशन। कैमरा में इन्हें सेलेक्ट कर देते हैं। कैमरा सेलेक्ट करते ही आपके हो जाते हैं सेट एज पब्लिक सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ से आप बैक आ जाते हैं और आपको हम चेक कर रहे थे हमने जो फोटो एंड वीडियो हाइड किए वो आपके अनहाइड हो चुके हैं और आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फोटो यहाँ आ चुका है, ये और जो फोटो हमने हाइड किए वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने फ़ोटो एंड वीडियो हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।